की बेहतरीन व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। मनोरंजन के लिए बड़े इस आकार के एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और यहीं पर होंगी एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानें जो तकरीबन अगले महीने में शुरू हो जाएंगी। इस एयर कॉन्कोर्स में, या यूं कहें कि इस एयर कॉन्कोर्स कम लाउंज में इतनी जगह है कि यहां एक साथ 700 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस समय अवलोकन कर रहे हैं भोपाल के नए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के दृश्य का। यही वो दृश्य हैं जो ये विश्वास पैदा करते हैं कि अभी हमने रानी कमलापति स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर उसे वर्ल्ड क्लास बनाया है, और यही वो दृश्य हैं जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले दिनों में हम इससे प्रेरणा लेते हुए इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर नागरिक सुविधाओं का सृजन कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हर यात्री जो प्लेटफॉर्म पर है उसके सर पर एक अत्याधुनिक छत यहां पर मौजूद है। स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का अवलोकन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब उस प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं जिसमें तब से अब तक का एक लेखा जोखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यानी पहले जब ये हबीबगंज स्टेशन था, इसका विकास 2017 में शुरू हुआ मार्च के महीने में, तब से लेके अब कैसे इसकी तस्वीर बदली है, कैसे वो तमाम सुविधाएं अपग्रेड हुई हैं, उन्हें बेहतर बनाया गया है, जिन्हें लेकर एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 16 जुलाई को रीडेवलपमेंट के बाद गुजरात के गांधीनगर स्टेशन पर हमने नई सुविधाओं को सृजित होते देखा है। गांधीनगर के रेलवे स्टेशन के ऊपर 318 कमरों का एक 5-स्टार होटल बनाया गया है। यहां जो विकास किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि इस एयर कॉन्कोर्स से सीधे आने वाली जो मेट्रो है, भोपाल मेट्रो, उसके स्टेशन को जोड़ा जाएगा। यानी ये सुविधाएं आपस में इस तरह इंटीग्रेटेड हैं कि यहां आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्री सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब उस पंडाल की तरफ गमन करेंगे जहां जनसभा को वे संबोधित करेंगे और औपचारिक रूप से इस स्टेशन के रानी कमलापति के नामकरण तथा इसको लोकार्पित करने की घोषणा भी करेंगे। जहां से माननीय प्रधानमंत्री ऊपर आए थे उसके ठीक सामने यहां नीचे जाने के लिए एस्केलेटर्स हैं। ये बहुत ही विशेष है कि आने और जाने के मार्ग इस स्टेशन में अलग बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री पूरी सावधानी बरतते हुए, माननीय प्रधानमंत्री के हर कदम पर दूसरों के लिए शिक्षा है। अगर आप एस्केलेटर पर मूव कर रहे हैं पहले अपने आप अपने संतुलन को देखें, सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। माननीय प्रधानमंत्री अब मेज़नाइन फ्लोर यानी मध्य तल पर पहुंच रहे हैं। ठीक सामने एक कियोस्क है मध्य प्रदेश टूरिज्म का। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए तमाम सूचनाएं मध्य प्रदेश टूरिज्म के इस तल पर बने कियोस्क के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। एक बड़ा स्क्रीन है जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम पर्यटन की सुविधाएं यहां जुटाई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री के ठीक दाहिनी तरफ एक कैफेटेरिया भी है, ये 24 घंटे चालू रहेगा और उचित मूल्य पर बेहतरीन क्वालिटी की फूड आइटम्स यहां पर मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म के इस कियोस्क के बाद एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री भूतल की ओर चल रहे हैं। भूतल पर माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद जिस मार्ग से उन्होंने प्रवेश किया था उसी मार्ग से एक बार पुनः वे बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे। अपने आसपास दाहिनी तरफ सामने अवलोकन करते हुए यहां चेहरों की आकृति मुखाकृतियों के साथ साज सज्जा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री एस्केलेटर से आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीढ़ियों से आ रहे हैं, लेकिन कदम से कदम मिलाते हुए उनकी अगवानी के साथ साथ उनके साथ चलते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहां कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म और उसकी सुविधाओं का जायजा लेने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री एक बार फिर प्लेटफॉर्म से बाहर रानी कमलापति की मूल जो स्टेशन बिल्डिंग है उससे बाहर आ गए हैं और अपने वाहन में सवार होकर
अब माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल का अवलोकन कर रहे हैं, स्टेशन का अवलोकन कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट के बाद आकार में आए इस खूबसूरत बिल्डिंग का अवलोकन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री बीच में बने मंदिर के सामने से गमन करते हुए अब उस पंडाल की तरफ जा रहे हैं जहां पर मूल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं। ठीक उनके दाहिने हाथ की तरफ जीआरपी थाना, जो कि नागरिकों और खास तौर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो है। यात्री सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा का भाव, और जीआरपी थाना यहाँ जो रानी कमलापति स्टेशन पर बनाया गया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के दाहिनी ओर है। माननीय प्रधानमंत्री जी चहलकदमी करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर गमन कर रहे हैं। रानी कमलापति जिनके नाम पर ये स्टेशन बनाया गया है, आज माननीय प्रधानमंत्री जिनके नाम से इसकी घोषणा करने वाले हैं, गोंड रानी हुई हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इनका राज तब महज एक गांव की शक्ल में रहे भोपाल के पास गिन्नौरी में था। भोपाल उनके राज्य का हिस्सा था। राजा भोज के बनवाए भोपाल के बड़े तालाब और कालांतर में अस्तित्व में आए छोटे ताल के बीच में स्थित है रानी कमलापति का महल। बताया जाता है कि धूर्त अफगानी सैनिकों द्वारा उनके पुत्र नवल शाह और सैनिकों की हत्या के बाद जब उन पर बुरी नजर डाली गई तो स्वयं की अस्मिता की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने इसी कमलापति महल की निचली मंजिल पर स्थित अपने कक्ष में जल जौहर कर अपनी इह लीला समाप्त कर ली थी। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नामकरण भोपाल की रानी कमलापति के नाम पर किया जाना गौरवशाली गोंड परंपराओं और वीरंगना रानी कमलापति के प्रति राष्ट्र की विनम्र आदरांजलि है। भोपाल का नए साज सज्जा के साथ निखर कर बना रानी कमलापति स्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड पाने वाला देश का पहला स्टेशन, पहला आईएसओ 9001 सर्टिफाइड होने का तमगा हासिल कर चुका स्टेशन। केंद्र सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा स्टेशन को बेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली स्टेशन का अवार्ड पा चुका पहला स्टेशन रानी कमलापति भोपाल। कार्यक्रम स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंच रहे हैं। यहां माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री लोगों की अगवानी करते हुए उनके स्वागत को स्वागत सत्कार करते हुए राज्यपाल मंगूबाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव माननीय प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी दर्शक दीर्घा में सबसे आगे की पंक्ति में विवेक जौहरी, माननीय प्रधानमंत्री यहां बैठे सभी लोगों के सामने अवलोकन करते हुए। और इसी के साथ यहां पधारे माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण व माननीय विधायकों और अतिथियों का हम एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम आग्रह करते हैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रानी कमलापति जी की प्रतिमा व शॉल भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद श्रीमान। इस गरिमामयी सभा में गणमान्य अतिथियों के स्वागत हेतु हम शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए कार्यक्रम के द्वितीय प्रक्रम पर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को।
परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, इंदौर, गुना, निमारखेड़ी, उज्जैन तथा विभिन्न स्थानों से जुड़े सांसद बंधु, मंत्रीगण, विधायकगण, सज्जनों और देवियों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस पुण्य अवसर पर सादर जोहार, सादर नमस्कार। इस पवित्र दिन को आज संपूर्ण भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भोपाल में गोंड रानी कमलापति स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए विचार और नए व्यवहार से ही नया भारत बनेगा। आप हमेशा हर कार्य को बारीकी से देखते हैं, डिटेल्ड प्लानिंग पर जोर देते हैं, हर काम में क्वालिटी रहे, समय पर एग्जीक्यूशन हो। आप हमेशा कहते हैं कि माइंडसेट को बदलो तभी जाके देश बदलेगा। आज रानी कमलापति स्टेशन इसी फिलॉसफी का रिजल्ट है। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के द्वारा जनजाति समाज की गोंड रानी कमलापति को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। आपने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना दी, आज उसी परिकल्पना का रिजल्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में 6,00,000 करोड़ रुपए की है, जो कि 2026 तक 3 गुना बढ़कर 18,00,000 करोड़ हो जाएगी। इसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में स्वदेशी 4G तैयार हो गया है और 5G की निर्माण चल रहा है, साथ ही 6G की तैयारी भी चालू हो चुकी है। हमारे देश के